सात संगत जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं बैठा सोच रहा सीगा, जिंदगी भी अपनी जड़ी नौकरी दी जिंदगी दिल्ली च बताई है और पैदाइश ते पढ़न लिखन दी जिंदगी सारी पंजाब च बताई है। सो एक पुल बनिया होया है जिहदे कि असली पढ़ाई सारा कुछ पंजाब च कीता, पंजाब च जड़ां रहियां, लेकिन बाकी दी जिंदगी इत्थे कट्टी है, दिल्ली च बैठ के देखिया है और फिर बाहरले देशों चों बैठ के देखिया है कि सिख कित्थे कित्थे पहुँचे ने, किवें एक हिस्टरी दी तराल चली आउंदी है, उहदे विच किवें तब्दीलियां आईयां ने। पिछले हफ्ते एंग्लो सिख हैरीटेज ने मैनू बर्मिंगम बुलाया और हरेक साल महाराजा दलीप सिंह जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह दे सपुत्र सीगे इंग्लैंड च मरे, उहनां दी अगे औलाद कोई जीवत नहीं रही, अंग्रेज़ उहनां नूं उत्थे लै गए कि वापस ना आ जाण किते अपना राज मंगणगे। उन्होंने मैनू लैक्चर लई बुलाया सीगा, दो साल पहला भी बुलाया सी, इस साल मजमून बड़ा इंट्रस्टिंग सी। वो कहिंदे इस गल ते बोलो कि जे रणजीत सिंह दा वारिस रणजीत सिंह वर्गा हुंदा तां क्या सिखां दा जिहड़ा भविष्य सी उह फर्क हुंदा। उन्हें बड़ी सोचने वाली गल है, क्योंकि उन्होंने मरण के बाद लड़का उन्होंने काबिल नहीं सी, ग्रैंडसन उन्होंने नौनिहाल सिंह एक तरह का राज उन्हें संभालिया, वो अपने फादर नू क्रिमेट करके ही वापस आ रहा सीगा ते उत्ते उहदे दरवाज़ा गेर दिता, वह भी मर गया। फिर अखीर दलीप सिंह बच गया, वह बेचारा छोटा बच्चा सी, महाराज जी जिंदा, महाराणी जिंदा सी, पर अंग्रेज़ों ने दखल अंदाजी करके 10 साल के पंजाब नू हड़प कर लिया। सारी साड़ी उत्थों तजारत लै गए, सारी उत्थों की ट्रेजरी लै गए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हुंदा जिहड़ा पंजाब नू संभाल लैंदा तां 1849 च उन्होंने पंजाब नू संभालिया ते 1857 च 8 साल बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हो गई सी हिंदुस्तान च। उस वेले जे पंजाब दे विच सिखां दा राज हुंदा तां हो सकदा है कि वह महाराजा उस वेले एक ऐसा रोल अदा कर सकदा कि अंग्रेज़ या तो सोचता कि अंग्रेज़ों की मदद नहीं करनी, या सोचता कि अंग्रेज़ों की मुखालफत करनी है और दिल्ली की गद्दी खाली करवानी है, जो भी वह सोचता। क्योंकि नेपाल के राजे ने उस वेले इन्हों फौजां दित्तियां और अज जो तराई का एरिया जिहड़ा असीं कहने आ नेपाल दे विच है, वह अंग्रेज़ों ने कट के उन्होंने देता। ये उस वेले का नेपाल नूं मिलिया होया, क्योंकि उन्होंने फौजां दे के उन्हां दी सरकार बचाई। वह गल्लां तुसीं छड्डो, चलो पिछलियां रह गईयां। 1965 दे विच वो लड़ाई सी जिहड़ी हिंदुस्तान जिहड़ी पाकिस्तान तकरीबन जित गया सी, जे जनरल हरबख्श सिंह ना हुंदे, संत फतेह सिंह ने मरण वर्त रख के अकाल तख्त बैठे सी। उन्होंने कहा मैं जब तक मैनू पंजाबी सूबा नहीं दिंदे मैं मरण वर्त रख्या होया। पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ ली सी और लड़ाई छेड़ के वह तकरीबन साड़ी जिहड़ी जिहनू कश्मीर का रस्ता कट्टन वाले सी, ते हरबख्श सिंह नूं कहा गया कि तुसीं फौजां पिछे हटा लो, 2 जिले पंजाब दे छड़ दो, अमृतसर ते गुरदासपुर, और तुसीं रावी दे पिछे आ जाओ। उन्होंने कहा मैं ब्यास दे पिछे आ जाओ, उन्होंने कहा मैं अमृतसर नूं नहीं छड़ सकता। और ये गल शास्त्री जी जानते सी कि जे पंजाब हिंदुस्तान दे विच रहा, जे हिंदुस्तान उस वेले बचा सकिया अपने आप नूं, तां एक सिख जरनैल ते पंजाबी ते सिखां करके होया। और जे शास्त्री साहब ना मरते, मैं यकीनन समझदा इस गल नूं, जे 1966 च उन्हां दी मौत ना हुंदी और मरण तो पहला उन्होंने डिसीजन देता सी कि पंजाब बनेगा, पंजाबी दे मुताबक बनेगा, तो आ जिन्ने स्यापे उहदे बाद होए है ये नहीं होने सी। उन्होंने चंडीगढ़ भी देना सी, उन्होंने पूरा हिस्सा देना सी, पानी नहीं सी पंजाब तो खिंचने, और जे बादल राज जिहड़े जिथे असीं अज पहुँचे हैं असीं उत्थे नहीं सी पहुँचना, क्योंकि जिहड़ियां कुरबानियां पंजाब बनाने लगी हैं उहदे च बादलों का कोई इन्ना वड्डा हथ नहीं है। टौड़ा साहब गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी संभालते सी, तलवंडी साहब पार्टी संभालते सी, बादल साहब सिर्फ कुर्सी संभालते सी चीफ मिनिस्टर की। पहली बार चीफ मिनिस्टर बने पिंडों आए लोग मजाक करते, उन्होंने घूमन वाली कुर्सी नहीं सी देखी, कहते ये तो ऐसी कुर्सी पर बैठा जिधर नूं मर्जी घुमा लो, वो कुर्सी हुण ताईं घूमनों नहीं हटी, क्योंकि बादल साहब का पता नहीं लगता किधर जाते घूम के। तो इस वेले ये गल बिल्कुल सही कही है, ये अकाली दल नहीं है, ये बादल दल है और एक फैमिली का दल है, और एक फैमिली के हित ची जो जो कदम उन्होंने उठाने उन्होंने उठाने हैं। सो ये जड़ी अज लड़ाई है ये कोई एक
फैमिली नाल नहीं, एक बंदे नाल नहीं, इस सिखां दी जो साडे ग्रंथ की बेअदबी हुई है वो एक एक सिंबल है उस लड़ाई का। और वह लड़ाई उदों वड्डी है कि किस तरीके नाल सरकार बननी चाहिए है, किस तरह के लीडर होने चाहिए है, किस तरह के, क्योंकि असी हुण बाहर वाले सिखां ने नवा काम शुरू किया 2020 खालिस्तान, वो इंटरनेट पर कर रहे हैं, मैं लिखिया भी है वो, मैं क्या असी एक छोटी जी खुड च बन के अपने आप खालिस्तान क्यों कहाईए। साढ़े दसवें पातशाह पटना च पैदा हुए ने, प्राण उन्होंने जाके नांदेड़ साहब छड़े ने, गुरु नानक ने चार यात्रा उन्हों का 505वीं जीवन वर्षी अगले साल असी मना रहे हैं, चार यात्रा उन्होंने चीन तो ला के श्रीलंका ताई, इधरों असाम तो ला के उन्होंने मक्का ताई कीतियां ने, ते असी एक छोटे जे देश अपना दोष इन्ना ही बनाना है, ये पूरा देश साडा है, साडे गुरु इत्थे घूमे ने, उन्होंने जगह जगह जाके शिक्षा दी है, जगह जगह जाके प्रचार किया है, तो ये असी इनू एक खुड च वड़ के अपना खालिस्तान नहीं बनाना। खालिस्तान है जिथे खालसा खालसे नू इज्जत मिले, जिथे खालसा जाके पूरे हिंदुस्तान दे विच इज्जत नाल खड़ा होकर इज्जत ले सके, वो इज्जत कटवा रहे ने ऐसियां पंजाब दियां सरकारां जिहड़ियां कि सिर्फ अपनी फैमिली लई, अपनी छोटे काम लई, अपनी सरकार चलाउण लई ऐसे डिसीजन लैन, ऐसे फैसले लैन जिहदे नाल कि सिख कौम नू झटका लगे, जिस करके तुसीं जिहड़ियां सिख धर्म दियां इमारतां ने उन्हां नू कमज़ोर करो, तुसीं एस जी पी सी नू कमज़ोर करो, जां तुसीं डेरे सच्चे सौदा नू माफ़ी दित्ती है, किवें माफ़ी देती ते फिर माफ़ी दे के वापस किवें लै लिया, ते ओह महंत हुण कित्थे है डेरा सच्चा सौदे वाला, वह डेरे च है या कित है, वह तो जेल च बैठा है। जे ऐसे बंदे नू क्यों माफ़ी दित्ती अकाल तख्त साहब ने, जिहड़ा कि इस वेले जेल च बैठा है और फिर दे के फिर वापस ले ली, तो इस करके ये जेडे जड़ा जड़िया हैगियां साडियां सिख इंस्टीट्यूशनस दियां वो कमज़ोर हो चुकी हैं। सिर्फ लड़ाई सिर्फ चंडीगढ़ की सरकार की नहीं है, ये लड़ाई उस दी भी है कि कौन धर्म संस्थान चलाएगा, किस तरीके नाल चलाएगा, किस तरह के बंदे उस संस्थान के उत्ते आणगे जेडे लीडरशिप देण। हुण तुसीं पंजाब के पिंडां च जाओ, छोटे छोटे बच्चे बाल कट्टी फिरदे आ, उत्थे बाहर वाले सिख कह रहे असीं खालिस्तान बनाउणा है, पंजाब वाले जिहड़े सिख है वो ड्रग्स से छोटे बच्चों के बाल कट के कित्थे गई है उस सिखी। ये पुछना चाहिए जो पंजाब अकाली सरकार रही है उन्हां दा की रोल है कि पंजाब दे विच सिखी क्यों नहीं वधी, सिखी पंजाबी नूं सिखी क्यों छड्डी जा रहा है, यह मतलब उन्हां नूं कोई कमजोरी नज़र आउंदी है, अपनी संस्था च कमजोरी नज़र आउंदी है। ये सारिआं नूं सानूं तकड़ा करना पैना, वो तां ही होएगा जे इकट्ठे होवांगे। दिल्ली और पंजाब च कोई फर्क नहीं, मुंबई दे सिखां और साडे च कोई फर्क नहीं, सारे सिखां नूं इकट्ठे होकर त्रेड़ां नहीं होणियां चाहीदियां साडे तख्तां दे विच, सारे तख्त कट्ठे, सारे सिख कट्ठे और सारे पंजाबियों नूं कट्ठे करके जाते से अगे नहीं चलांगे, उदों ताईं फिर नहीं असी कमज़ोर हो जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।